कृष्णा सोनी में मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली। इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी सूजी ली है और आधा कटोरी मैंने खट्टा दही लिया है जिसे फेंट लिया है। ये हमने नमक लिया है, ये मीठा सोडा है और ये इडली बनाने के लिए स्टैंड के लगाने के लिए तेल लिया है। अब हम पहले हमारा पानी गर्म रख देंगे, उसके लिए मैं गैस ऑन कर देती हूँ और दो गिलास पानी गरम रख देती हूँ। और इसे ढक देती हूँ ताकि ये अच्छे से गरम हो जाए। गैस तेज कर देंगे और अब मैं अपना बैटर बना लूंगी। मैंने ये सूजी डाल दी है, अब मैं इसमें ये दही डाल दूंगी। मैंने ये दही डाल दिया, अब मैं इसमें आधी चम्मच नमक डाल दूंगी और अच्छे से फेंट लूंगी। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये मैंने पानी लिया है और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हिलाकर 2 मिनट के लिए रख देंगे। पानी थोड़ा और ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारी सूजी फूल जाए। और मीठा सोडा हम बाद में डालेंगे, जब हम बैटर स्टैंड में डालकर रखेंगे तब हम मीठा सोडा डालेंगे। अभी हम इसे ढककर रख देते हैं 2 मिनट के लिए। ये हमारी सूजी फूल गई है और थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैंने आधे कप से भी आधा पानी इसके अंदर डाला है, ये देखिए। और अब हम इसे हिला लेंगे। स्टैंड के हम तेल लगा लेते हैं। ताकि हमारी इडलियाँ चिपके ना, स्टैंड के मैंने अच्छे से तेल लगा देंगे। इधर हमारा पानी उबल कर तैयार है। अब हम इसके अंदर मीठा सोडा डालेंगे। अब हम इसमें आधी चम्मच से भी कम मीठा सोडा डाल देंगे और मीठा सोडा डालकर हम इसे हिला लेंगे। हम इसे एक ही राउंड में हिलाएंगे, एक ही तरफ से हिलाएंगे, दोनों तरफ नहीं हिलाएंगे। ये देखिए हमारी इडली फूल गई है। ये देखिए बैटर दुगना हो गया है। अब हम इडली डाल के स्टैंड में इडली लगा देंगे। इस तरह हम इडली डाल देंगे। आप जब भी इडली बनाओ तो मीठा सोडा डाल बाद में डालिए ताकि आपकी इडली अच्छे से फूले। हमने इसे स्टैंड में रख दी है, गैस हम फुल कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे बिल्कुल भी उगाड़ेंगे नहीं। हम पूरी 15 मिनट बाद अपनी प्लेट को उठाएंगे, उससे पहले इसे नहीं छेड़ेंगे। अब हमारे 10 मिनट पूरे हो गए हैं, हम हमारी इडलियाँ चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने उठा देती हूँ और चक्कू से, चक्कू की सहायता से इसे चेक कर लेती हूँ। इस तरह बैटर चक्कू पर बिल्कुल भी नहीं लगा है। हमारी इडली तैयार है। मैं इसे बंद कर देती हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये देखिए, और इसे ठंडा कर लेती हूँ। अब हम हमारी इडलियाँ निकाल लेते हैं। इस तरह चाकू से चारों तरफ घुमाकर हम हमारी इडलियाँ निकाल लेंगे। इस तरह हमारी इडलियाँ निकल जाएगी। इसे ठंडा करके निकालिएगा जो आराम से निकल जाएगी। इस तरह चाकू से चारों तरफ से हटाकर आराम से निकाल लीजिए। ये देखिए, देखिए ये हमारी इडलियाँ बनके तैयार है। बहुत ही स्पंजी अपनी इडलियाँ बनी है। ये देखिए बहुत ही स्पंजी है। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे चैनल पर ज़रूर भेजिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।